हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही होगा। तो गाइस देखो, आज मैं आपके टेस्ट बुक का जो मॉक नंबर है वो 8 देने वाला हूँ। तो ये टेस्ट आप भी देना और जो आपका स्कोर कार्ड आता है वो मेरे साथ जरूर शेयर करना। अब देखो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर हमारे पास तो पास नहीं, तो पास के लिए अगर आपको चाहिए तो मेरा कूपन कोड लगा लेना जो मैं आपका दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। गाइस ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट बुक। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया वो आया कि लीनियर में बैठे ही एबीसीडी फेसिंग ई थर्ड फ्रॉम बॉटम फेसिंग। ठीक है, इसको मैं करता हूँ बाद में, पहले ऐसे देखता हूँ इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो मैं आपको वैसे करके बताऊंगा जैसे कि आप स्टूडेंट के तौर पे करते हो। पहला बोल रहा है ऑल कार्ड आर पेपर, नहीं होगा। सम कार्ड आर कीज, सी हो जाएगा। सेकंड फॉलोस, ये आपका जगह एल्डर्स दे रखा है आपको वर्ड। आपको हमेशा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। इसमें क्या बोला है, बोथ फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इसमें पहले बोला फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, बैकवर्ड भी होगा। ठीक है, दो इसमें पेयर बन गया आप दे दो। ये आपको क्या है, आपके स्वच्छ भारत मिशन में आपके एबीसीडी काम करते 5% और बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं बॉक्स बेस पजल टाइप की क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सी और आपके जो पर्सन आपके एसएल में काम करता है उसके बीच में दो है और इसकी जो रफ सीट है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ई इज क्लियर लिमिटेड आफ्टर टीसीएस के बाद आपका आएगा ई और सी क्लियर अपार्टमेंट ऑफ द डे आफ्टर इंफोसिस, इंफोसिस के बाद आपका सी आएगा। उसके बाद क्या बोला, 2% पीपल क्लीन टीसीएस और आर आई या रिलायंस के बीच में, टीसीएस के बीच में और रिलायंस के बीच में आपके 2% आएंगे, बट ये कन्फर्म नहीं कौन पहले आएगा। ए इज इमिडिएट आफ्टर डी के बाद आपका ए आएगा। बी क्लीन अपार्टमेंट फॉर द पर्सन हु एस एल के पहले आपका बी आएगा। टोटल पर्सन है कितने हमारे पास, 5 ही है। और अब देखो टीसीएस के बाद आपका ई आएगा, टीसीएस के और आगे इसमें दो है। और इनको के बाद आएगा, के बाद आपका आ जाएगा डी के बाद ए आ जाएगा और एस सी एल में पहले हमारा बी हो जाएगा। एक कंपनी हमारी बचेगी, कौन सी है, वो है एस बी आई। तो ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। हु इज फॉलोइंग थर्ड डे, तीसरे दिन कौन है आपका, डी
और ज्वाइन हो, ठीक है। उपलीन डिपार्टमेंट इमीडिएट आपका, तो रिलायंस के बाद आपका सी आ जाएगा। एसबीआई में कौन काम करता है, आपका सी। फर्स्ट डे आपका बी या कहें आप पीसीएस, या आपका डायरेक्शन बेस्ड है। ए जो आपका है एफ के 8 मीटर साउथ में, कौन, ए। पॉइंट बी इज ईस्ट ऑफ एच, बी इज नॉर्थ ऑफ टी, अभी नहीं पता। ये आपका बी इज एच, सी इज साउथ मीटर, ए जो 5 मीटर ईस्ट है ई के, ये जो आपका 5 मीटर ईस्ट है ई के, और एच जो आपका 4 मीटर, एच जो आपका है 4 मीटर नॉर्थ है किसके, ई के, और एच जो आपका है बी इज ईस्ट ऑफ 5 मीटर, बी जो आपका है 5 मीटर ईस्ट में बी के, जो बी है सॉरी ईस्ट के एच, ठीक है। और 9 मीटर यहाँ से 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका कौन, डी, और डी से जी 15 मीटर में, ये हो जाएगा जी। अब उसने क्या बोला, डायरेक्शन ऑफ सी, सी का नहीं पूछ, सी का क्या बोला, सी इज 7 मीटर साउथ ऑफ जी, यहाँ पे आपका सी, डायरेक्शन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में आपका साउथ वेस्ट है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन एफ और बी के बीच में टोटल डिस्टेंस बतानी है आपको, तो देखो 8 और 5 13, 13 4 17, 17 5 22 टोटल पूछा ना कि शॉर्टेस्ट। एज यू वाई इज मिडल ऑफ एफ और ए, एफ और ए का अगर मिडल है कौन, वाई, तो दैट डिस्टेंस बिटवीन वाई और एच के बीच में कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। चलिए ये ग्रुप दे रखा है, इसको हम करेंगे, अच्छा ये 8% आपके स्टेज में बैठे हैं, 4% सेकंड सर्कुलर, ये आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। 4% अंदर है और 4 आपके बाहर है, इसमें 4 गर्ल्स दे रखी है, 4 आपके अदर गर्ल्स दे रखी है, ऑल ऑफ 4 गर्ल्स इनर फेस आउटसाइडिंग, अच्छा 2 कंसेंट्रिक सर्कल, 2 सर्कल दे रखे हैं इसमें, कितने सर्कल आपके, 2 सर्कल दे रखे हैं, मतलब 4-4 बैठेंगे आपके, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इनर वन अदर ऑल पर्सन इनर सर्कल में जो बैठी है उनका फेस आउटसाइड है, तो इनर सर्कल में बैठे उनका फेस आउटसाइड है, और जो गर्ल आउटर में है उनका फेस टूवर्ड्स है। अब देखो सच दैट, हाँ एक्स इज नाइदर अपोजिट टू, एक्स ना तो आपके अपोजिट है किसके, वाई के, नॉर फेसिंग एस, वो इज सेकंड राइट ऑफ आर, वो किसके लिए, एस के लिए, एस आपका सेकंड राइट। डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ, सॉरी डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में आपका जेड है और एंड फेसिंग पी, तो जेड आपका फेसिंग किसके है, पी के। क्यू फेसिंग वाई, क्यू के सामने क्या आपका, वाई है, वाई एंड जेड नॉट इमीडिएट राइट पर, ठीक है। देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस आपके इनर सरफेस में, मतलब इनर सर्कल में आपके बैठे हैं, यहां से मैं स्टार्ट कर सकता हूं आपका। आर के सेकंड राइट में आपका एस है, ठीक है, और जो पी है वो इमीडिएट पी जेड के सामने है, ठीक है, ये हम करते हैं। तो एक बार पी को इधर ले लेता हूं, एक बार पी को इधर ले लेता हूं, पी के सामने आपका जेड है, तो W के इमीडिएट मेंबर है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा। और Q के सामने आपका Y है, तो Q के सामने आपका Y दे रखा है और Q के सामने आपका Y दे रखा है, बट उसने एक चीज बोली थी आगे, X जो आपका है नाइदर फेस, X जो आपका क्या है नाइदर फेस, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा, ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। इस गर्ल इज इमीडिएट राइट ऑफ आर के सामने बैठेगा, पास में गर्ल पी हो जाएगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के इमीडिएट लेफ्ट में आपका डब्ल्यू है, फेसिंग टुवर्ड्स, ये ऑल हो जाएगा करेक्ट।
व्हाट इज द हाँ व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, पी सेकंड राइट ऑफ क्यू ये सही है आपका, एक्स इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई ये भी सही है, डब्ल्यू फेस आपके एस के सामने ये भी सही, आर इज फेसिंग एक्स ये भी सही है, जेड इज नॉट फेसिंग डब्ल्यू ये गलत हो जाएगा। विच गर्ल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सी गर्ल है आपकी, वो है एस। डब्ल्यू और एक्स आप भी चेंज कर लेते हैं सपोज, उसने क्या बोला वो स्पेसिंग आर के सामने आपकी डब्ल्यू हो जाएगी, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग है तो इससे आराम से कर सकते हो आप इसको। वर्क इज वर्शिप, इसको लिखा है जे के आर टी और पी क्यू, उसके बाद वर्क हार्ड और ऑलवेज को लिखा जे के एम एम और यू वी, उसके बाद ऑलवेज डू वर्शिप को इन्होंने क्या लिखा यू वी एस टी और पी क्यू, उसके बाद हार्ड टाइम पासिस को लिखा एम एम ई बी और ई एफ, तो आपका वर्क का कोड क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जे के, और ऑलवेज का कोड हो जाएगा आपका यू वी, उसके बाद वर्शिप का कोड क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पी क्यू। अब देखो और हार्ड का कोड क्या हो जाएगा आपके वो हो जाएगा एम एम, ठीक है। चलिए अब उसने क्या बोला टाइम पासिस, टाइम पासिस का कोड क्या हो जाएगा ए बी ई एम, ए बी ई एम। वर्शिप का कोड क्या है हमारे वो है पी क्यू, उसके बाद आर टी का कोड, आर टी का कोड क्या आपके वो हो जाएगा इज का कोड, ये क्या है टेन बॉक्सेस आपके दे रखे हैं। ठीक है मैं करता हूँ इसको, W और P के बीच में तीन है आपके, एक बार W और P, उसके बाद टू बॉक्सेज आर R और P के बीच में, और उसने बोला W इज नॉट नियर टू R, तो मतलब जो R आपका P के नीचे आएगा, और एक बार आपका ऊपर हो जाएगा, एक दो आठ और टॉप पे भी नहीं होंगे आपके, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो टॉप पे भी नहीं होगा ना आपका, वो बॉटम पे होगा, ठीक है। आर ना तो आपका टॉप पे आएगा ना बॉटम पे आएगा आपका, अच्छा ना ना डब्ल्यू भी नहीं आएगा आपका टॉप पे, ठीक है ये यहां से कन्फर्म हो गया, ना आपके आर आएगा टॉप पे ना आपका डब्ल्यू आएगा। वन बॉक्स इज यू एंड टी, यू टी इज बिलो यू, ठीक है। बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस जस्ट अबाउट द टी, आगे बोला नंबर ऑफ, इसने क्या बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो क्यू इज सेम एज द अबव एस, मतलब जितने क्यू के नीचे होंगे उतने आपके एस के ऊपर होंगे। मोर देन टू बॉक्सेस आर और बी के बीच में मोर देन का मतलब कम से कम आपके तीन आएंगे, चार भी आ सकते हैं पांच भी आ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट टू बॉक्सेस आर बिटवीन वाई एंड बी, एटलीस्ट का मतलब है दो तो आएंगे आपके, तीन भी आ सकते हैं चार भी आ सकते हैं, विच इज अबव आर, आर के ऊपर आपका वाई आएगा। X is not above Q, Q के नीचे आपका X आएगा, which is above Q आपका क्या है above P के। इसमें देखो कैलकुलेशन ज्यादा है आपकी तो हमेशा आपको बोलता हूं, देखो अगर मैं Q को यहां पे लूं तो एक दो तीन, ठीक है Q और आपका ये हो जाएगा S, आर और वी के बीच में कम से कम तीन होना चाहिए, एक दो तीन ये हो जाएगा वी, वाई और वी किसमें एक दो वाई यहाँ पे पॉसिबल है, एस और यू के बीच में कितने आपके देखो एक दो तीन चार पांच है,
और आगे बोला अभिजीत जैसे बॉटम पे कौन है आपका, बॉटम पे एक्स है आपका, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबाउट टी के ऊपर दो है तो सेम एज द बिलो वाई हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज थ्री बिलो वाई, मतलब दो छोड़ के, तो एक दो छोड़ के आपका नन हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें से, विच इज नॉट करेक्ट। टू बॉक्सेस टी और पी के बीच में दो बॉक्सेस, पहला सही है, बॉक्स आर इज सेम एज बिलो आर के नीचे कितने एक है एस के ऊपर, ये गलत हो जाएगा, नहीं क्यू के ऊपर ये भी गलत हो जाएगा मेरा, ये गलत हो जाएगा। अब ये क्या आपका, ये आपका आ गया जो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला होता है, तो कितने एक दो तीन चार पाँच छ, ओके। द आर इज द नंबर ऑफ आर इज द एवरेज ऑफ पी और क्यू का एवरेज आएगा, आर के पास जितने बॉक्सेज होंगे इतने नंबर होंगे, बुक्स होंगे सॉरी, और द ए इज एवरेज ऑफ बी और सी का एवरेज दे रखा है। अगर बोला बी इज मोर देन पी बट नॉट मोर देन सी से छोटा होगा, भाई कम होगा, एटलीस्ट टू इज, एटलीस्ट दो तो होनी चाहिए, तीन भी हो सकते हैं हमारे, अब देखो इसमें क्या है आपका, एवरेज दे रखा है ए का जो एवरेज है बी और सी का एवरेज से मतलब होगा, इसको छोड़ देते हैं, हाँ बी आपका क्या है पैटर्नल ग्रैंड सम है आपका, इसका आपके पी का हो इज हु हैज दो चिल्ड्रन होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, पी के दो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। सी इज अनमैरिड, ए इज द वाइफ ऑफ, ए इज द वाइफ ऑफ एफ एंड मदर ऑफ, ए इज द वाइफ ऑफ एफ और बी की मदर है, एफ के दो चिल्ड्रन है, एफ्स एफ्स का जो ब्रदर इन लॉ है, इसका जो ब्रदर इन लॉ आएगा अनमैरिड है, क्यू इज द फादर ऑफ डी, मदर ऑफ, ये अगर मैं करूँ, अब देखो सी इज अनमैरिड सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है, हु इज फॉलोइंग ग्रुप फीमेल मेंबर्स, फीमेल मेंबर्स के आपके ए आपका फीमेल है, क्यू आपका फीमेल है और एफ मेल हो जाएगा, ए सी ई, डी सी भी नहीं हो सकता, क्यू ए सी जनरल सिस्टम लॉ ऑफ एफ एस ऑनली टू चिल्ड्रन, एफ के दो चिल्ड्रन, अच्छा हाँ ये आ जाएगा आपका, इक्वल है, देखो आपके एक मेल दो तीन चार मेल है तो चार फीमेल, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सी और ई हो जाएगा। हु इज द मदर ऑफ डी, डी की मदर कौन है आपके, वो हो जाएगी क्यू, अकॉर्डिंग टू थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आपके बी और ई है। अब हम देख रहे थे पहला जो पजल था ना, हमने जो स्टार्टिंग में हमने छोड़े थे, 8% सी आपके, 8% आपके लीनियर में बैठे हैं, ठीक है, बी के थर्ड राइट में आपका ई बैठा है, तो इसका फेस एक बार साउथ ले लेता हूँ, एक बार नॉर्थ ले लेते हैं, और दोनों का फेस क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो साउथ हो जाएगा नॉर्थ में, एक बार देर आर 2% सिटिंग ई और एच के बीच में दो है, तो एक दो छोड़ के एच, एक दो छोड़ के एच, साथ साथ हो गए भी, ए इज थर्ड राइट ऑफ हु इज इमिटेड टू नेक्स्ट, पॉसिबल है, ए इज नॉट सिटिंग राइट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में होगा आपका ए, उसके थर्ड राइट में एक दो तीन ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका ए राइट। एफ एंड जी आर इमिडिएट नाइबर, एफ और जी आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 मेरे पर्सन अगर F4G आपके यही आएंगे, बोथ आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये दोनों के नॉर्थ डायरेक्शन होगी, या तो F और G में से आपका यहाँ पे आ जाएगा, एक दोनों का फेस क्या आपका नॉर्थ है। सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ F के थर्ड लेफ्ट में, और F की जगह कंफर्म होगी आपकी जी की हो जाएगी, यहाँ पे आ गया सी। बचाओ पर्सन कौन है आपका, ए हो जाएगा, देखो ए बी सी, ये हो जाएगा डी। अब इसने क्या बोला है, डी और एच का अपोजिट फेस है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों डी और एच, ये नॉर्थ तो साउथ हो जाएगा। मोर देन थ्री पर्सन फेस सेम डायरेक्शन एज एच, मोर देन तीन होगा कम से कम चार, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ट्रू F इज इमिडियट नाइबर ऑफ E, सही है, इसके थर्ड राइट में एक दो तीन ये भी नहीं होगा, D और E आपके नहीं, पहला सही है। हाउ मेनी पर्सन सीट में H और F के बीच में, कितने आपके 3 पर्सन बैठे हैं। लास्ट क्वेश्चन करूंगा रीजनिंग का, ठीक है, इसके बाद हम क्वांट में चले जाएंगे। हु इज द फॉलोइंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A, A के थर्ड लेफ्ट में एक दो तीन, ये हो जाएगा G। एक्सट्रीम लेफ्ट हु इज फॉलोइंग सिक्स्थ एक्सट्रीम लेफ्ट फेसिंग नॉर्थ, डी हो जाएगा, नॉर्थ फेस ए और बी आपके सेम डायरेक्शन में है, बी और सी आपके सेम डायरेक्शन में, सी डी ये अलग अलग है। चलिए अब पॉइंट पे चलते हैं, ये डी आई है, इजी है, हम आराम से कर सकते हैं। इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन सेल्स इन 2005 में देखो कितनी है, 400 3 700 हो जाएगी, और 2007 में कितनी आपकी 100 और 500, तो इसका 200 करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। रेशियो 2009 में बताइए, 2009 में कितने देखो 300 और 600 900 हो जाएगी, 2001 में कितनी है 500 और 2 700, तो 9:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजी डी आई दे दी। एवरेज सेल्स ऑफ बुक्स, अच्छा पूरा इससे पहले कुछ बुक्स का तो नहीं बोला था, ठीक है बोली थी, अब एवरेज बुक्स पर पूछिए इसमें, तो बुक्स का वाला देखो डार्क वाला है तो 500 हो जाएगी एक बार, और फिर 700 हो जाएगी, फिर 400 हो जाएगी, फिर 100, फिर आपकी कितनी है 300, तो इसका जब ऐड करोगे तो आपके देखो 7 5 12 12 4 16 16 4 20, और 5 से डिवाइड करोगे तो 400 आ जाएगा। नोटबुक इन 2005 में नोटबुक कितनी है आपकी, वो है 300। ये क्या कर रहा है, व्हाट परसेंट सोल्ड, नो टोटल नोटबुक बोला, टोटल बोला इसने, टोटल देखो 200 और 900 कितने हो जाएगी 1100, 1100 और 300 कितने 1400 हो जाएगी, 1400 और 400 1800 और 600 2400 हो जाएगी, 2400 से कर दो आप, और 1/8 की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है, वो होती 12.5। 2003 सेल्स ऑफ नोटबुक, 2003 में सेल्स कितनी है आपकी नोटबुक की, वो है आपकी 900। सेम ईयर में आपकी व्हाट मोर देन सेल्स ऑफ बुक्स, तो 2003 में आपकी बुक्स कितनी है 700 से कितनी जा रही है 200 ज्यादा है, और ये अपॉन में 700 कर दो, 1/7 की वैल्यू होती है आपकी 14 पॉइंट, ये 28.28 समथिंग होती है कुछ, तो इसका 29 आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब ये आपकी 256 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे तो 128 64 हो जाएगा, 64 का आंसर 2 से डिवाइड ही हो रहा है आप, 6 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर स्क्वायर दे रखे हैं आपके, देखो ये 6 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, और ये फिर 15 का स्क्वायर है 225, और ये आपका 21 का स्क्वायर है 784, आपका 28 का स्क्वायर है, अब 36 का स्क्वायर करोगे तो 36 का 12 छिन्न हो जाएगा, इसमें क्या बोला है मिसिंग नंबर है ना, 15 2 30 माइनस करना है, और 29 2 58 माइनस 1 57 का 2 करोगे तो आपका 113 माइनस आ जाएगा, ठीक है 113 को आप 2 गुना कर दो, इसमें से माइनस 1 कर दो आप, तो 225 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपका क्या है 7
सात छप्पन और ये आपको मैं माइनस करके देखता हूँ इसमें। सात का स्क्वायर दे रखा है, फिर वहां पर सात का क्यूब दे रखा है, वहां पर सात का स्क्वायर दे रखा है, मतलब आप माइनस कर सकते हो। फोर फोर एट में आप क्या करो, 343 प्लस करोगे 791, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है आपका, ये दे रखा है 15, 22, 21 और 42। इसमें देखो ऑड नंबर चल रहा है आपके, 7, 9, 11, 13 ऐड करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 55 करेक्ट आ जाएगा ना। तो 55 में आप वापस क्या करोगे, नहीं यार 55 तो नहीं होगा इसके अंदर, ऑड नंबर प्राइम नंबर भी नहीं हो रही है, ऑड 13 17 आ रहा है डिफरेंस, 13 फिर 15 13 आएगा इसमें, 13 करोगे तो आप कितना आएगा, 55 ही आएगा। ठीक है, फिर 55 में आप 15 ऐड कर दो तो हो जाएगा। ठीक है, वापस आपकी डीआई आ गई, ये भी इजी डीआई है, आप इसको कर सकते हो। मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, देखो ये गॉट ये क्या चीज दे रखी है, टोटल तो देखिए मुझे 30,000 दे रखे, गॉट का 22% है, 300 × 22 कर दोगे, फिर आपका फ्रेंड्स दे रखा है तो 300 × आप क्या कर दोगे, 12 कर दोगे, फिर आपका डार्क ये आपकी क्या दे रखी है, वेब सीरीज दे रखी है, 300 × 17 कर दोगे, फिर आपकी कौन सी है मनी हाईएस्ट, फिर 300 × आप क्या कर दोगे, मनी हाईएस्ट को 15 कर दोगे, फिर आपकी क्या है ब्रेकिंग, ब्रेकिंग बैट कुछ दे रखी है तो 300 × 24 कर दोगे, फिर आपकी लास्ट है द ड्रैग तो 300 × आप 10 कर देना, करना मत अभी, लेकिन लास्ट में देखते क्या है। गॉट का दे रखा है तो देखो सबसे बेस्ट है, गॉट कितना दे रखा है 22% दे रखा है, डार्क का कितना 17% है और मनी हाईएस्ट का आपका 15%, इसको जोड़ दो आप 7, 5, 12, 12, 14 का 1, 3, 4, 5, 100 इसको आप डिवाइड कर दो तो 54 आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको क्या बोला, इसको इसको डिग्री में चेंज करना, किसको, एक तो डार्क और मनी हाईएस्ट को, मनी डार्क में कितना आपका, डार्क में आपका 17, मनी हाईएस्ट में कितना आपका 15, आप इसको करोगे टोटल कॉरस्पॉन्डिंग डार्क कितना आपका 17 ही तो है, मनी हाइस्ट कितना, मनी हाइस्ट 15 ही तो है, 7, 5, 12 ये 32 है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने 22 ऐड कर दिया, हाँ 3, 4, 6, 25 ये हो जाएगा आपका 7, 5, 5 से डिवाइड करोगे 18/5 करना होता है, वैसे आपको बताया 115 point something आएगा। ठीक है, अब उसने क्या, 90% ऑफ फ्रेंड्स आर फीमेल, उसने क्या बोला है, 90% तो फ्रेंड्स की फीमेल है, बट रेशियो ऑफ बिटवीन हु लाइक द 100, द 100 कौन लाइक करता है आपका 300 × 10 है, और आगे बोला है एंड नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का 90% है तो फ्रेंड्स 300 × 12 × 90% कर दो, तो 300 से 300 गया, 1, 0 से 1, 0 गया वापस, और ये हो जाएगा 3 बार ये 25 बार तो 25, 27। अब मैं से ये बोलता हूँ आप डाइट कैलकुलेशन पूरी मत करो इसके अंदर, ठीक है ना, लिख लो एक बार। अब इसने क्या बोला, टीनेजर कितने गॉड वाले, उसने क्या बोला डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल लाइक ब्रेकिंग बैट, आप ब्रेकिंग बैट आपको कितना है 24 या 7200 है,
अब डायरेक्ट और से क्या बोला, टीनेजर का निकालना है, तो गॉड के टीनेजर कितने आपके 300 इंटू 22 इंटू कितना करना है आपके 80% करना, तो 100 से ये गया तो 66 इंटू 80 48 का 4 8 से 48 का 52 तो 52 80 तो 19-20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, ब्रेकिंग बैड के जो रेशो दे रखा है मेल और फीमेल का, ब्रेकिंग बैड कितना है हमारे पास, ये 7200 है, इसका मेल और फीमेल का रेशो जो दे रखा है ना हमें 3:1 है, मतलब 4 की वैल्यू मेरे पास 72 है, 1 की वैल्यू 18 आ जाएगी, 18 54 और ये हो जाएगा 1800। अब इसने आगे बोला 30% ऑफ द फीमेल, तो रेशो मेल बोला ब्रेकिंग बैड है, इनका मेल का पूछा है तो ब्रेकिंग बैड में आपके कितने 100 की बात कर रहा है, तो 300 × 10 इंटू इसका 70% निकाल लो, क्योंकि उसने बोला कि 30% हो गया फीमेल्स का, फीमेल्स है ठीक है, 2100 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला, मेल का बताना खाली, तो 5400 इंटू और 2100 तो टोटल पूछा है इसने, ठीक है ठीक है, 7500 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले आप अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन ही करना गाइस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, अप्रोक्सीमेशन 350 मान लो इंटू आप इसका कर दो 1/35 तो ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है, प्लस ये 1728 कर दो इंटू 144 12 आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2650 इंटू 1/50 कर दो इसको ना, 0 से 0 ये हो जाएगा 5 5 तो ये 12 22 ये कितना, हाँ 2650 अपॉन में 55 हो गया, ठीक है, ये माइनस का, ठीक है, ये 1728 इंटू 144 ये 12 हो गया, और ये कितना था 350 अपॉन में 45 10 ही तो हो गए, 10 और 12 कितना हो जाएगा 2 और 44 हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 31। अच्छा ये 553 होगा ना, सही है 53 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनस में, ठीक है, 238 कर दो इसको, और फिर इसको प्लस करना है 84 इंटू 45 फिर 3664 यहाँ पे दिक्कत करेगा थोड़ा, ठीक है 3664 हम निकालते हैं, ये 58 के आस 58 का ही होगा लगता है मुझे, ये 58 अपॉन में 87 ठीक है, ये हो गया हमारा, तो अब 58 छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, 1022 है, 1032 32 का होता है 31 का कर लो, 32 का 1024 होता है तो 32 का हो जाएगा, 32 प्लस 144 अपॉन में 3 इंटू 12 माइनस प्लस 80, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 48 जो 32 है
ये मेरा 576, अब इसको आप इंटू कर दो, 0 8 5 40 का 4, 28 का 2, 848 का 2, 52, इसको 608 माइनस कर दो, तो 2 आपका देखो माइनस में तो यही होगा करेक्ट। अब ये क्या आपका 12 में आप क्या करो 18 जोड़ दो तो आ जाएगा 30, 30 इंटू 25 बटा 15 15 30, ये आ जाएगा 50, इसमें क्या कर दो आप 9 5 45 ऐड कर दो तो 95 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है 12 माइनस 8 प्लस 3 इंटू ये इसकी 14 पॉइंट की आपके पता ही 1/7 होती है, ये आपकी 17 ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 24 3 9 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
और ये क्या बट 0 डिवाइडेड बाय 17, ये 17 से 10 बार, तो यहाँ पे अगर माइनस कर दिया ठीक है 30, तो 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के छोड़ देते हैं और कुछ देखते हैं। इसलिए क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ऑफ लोन, ठीक है तो 20 ऑफ 5, ये हो जाएगा आपका 1 लाख। अब ये काम करता है आपका 16 घंटे में, बी करता है 18 घंटे में, 16 18 का आंसर कितना हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा 144। ठीक है, अब क्या बोला, दोनों साथ में खोल देते हैं, ये आपका हो जाएगा ये वाला करेक्ट आंसर सेकंड। इसमें क्या बोला था, एक ट्रेन क्रॉस चेक पॉइंट 40 सेकंड, वाली ट्रेन भी चेक पॉइंट 25 सेकंड, रेशियो ऑफ द ये दे रखा है तो वाली रेशियो ऑफ लेंथ दे दे, तो लेंथ क्या होती है आपकी टाइम इनटू स्पीड, तो 40 × 2 और 75 × 3, सोलह 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसी काम को 15 शिवा करता है आपको 15 दिन में, और जो आपका अजय करता है 20 दिन में, एलसीएम 60 आ जाएगा, 15 × 60 और 20 × 3 = 60। अब ये 4 दिन काम करते हैं और 4 दिन काम करते हैं, तो 7 × 28 काम किया, बचा हुआ काम कितना हो गया आपका 32 काम, 4 दिन बचा। इसने क्या बोला, शेष काम ज्ञात कीजिए, तो शेष कितना है 32, आठ बट्टा 15। एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर चलती है, तो 36 × 5/18 कर लो पहले, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से इसकी लेंथ आ जाएगी, तो 10 × 30 करोगे 300 मीटर की आपकी ट्रेन होगी।
अब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 20% ऑफ, इसका 20% निकाल दो आप, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 20% बोला है 36 300 का 20% अच्छा इक्वल कर लेता हूँ, साठ ही होगी, ट्रेन 36 किलोमीटर 36 चलती है, 5/18 में 2 30 कर दोगे, 18 36 300 तो होगी, 300 का 20% कितना होता है आपका 60 ही तो होता है, 60 को भी काम करते 60 ही तो है ये, मूवी की स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर इंटू 36 मीटर किया 5/18 36 300 होगा ये, और इनका लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 20% लेंथ ऑफ ट्रेन, इसका ही कुछ समझ में नहीं आया मैंने ऐसे कैसे किया है, ये एक्स की जो दे रखी है वो 10 दे रखी है, वाई दे रखी है 4, आप स्ट्रीम जाना तो 30/ अब क्या करो माइनस कर दो 6 तो इनको 5 आ जाएगी 5 घंटे। शॉपकीपर 50% बढ़ाता है, डिस्काउंट देता है, गेम करता है तो डिफरेंस बताना ठीक है, तो सीपी पर 100 माल लेता हूँ तो मेरी माल प्राइस कितनी आ जाएगी 150, और उसके सेलिंग प्राइस उसने क्या करा डिस्काउंट दे दिया 20% की वैल्यू होती है 1/5 4/5 30 तो 120 आ गई, जो प्रॉफिट हो रहा है 20 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है यहाँ पे 600 रुपये आ जाएगा 33 आ गया, तो उसने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट कितना हो, ये हो जाएगा 330। रमेश सेड ही आई वाज टोल्ड इतना देर का आगे, अच्छा ये आपका वो देर का है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, अशोक कार्तिक और विकास 5/300 3/6 अशोक 3 महीने बाद चला गया, आफ्टर 6 मंथ आफ्टर 6 महीने बाद प्रॉफिट कितना हो जाए 18 40 निकाल लग सकते कार्तिक का, तो 6 स्टार्ट बिजनेस 5 आफ्टर सो लेफ्ट आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर इफ आफ्टर 6 मंथ तो देर बाद 6 महीने बाद तो बोला है, चलिए ठीक है ठीक चलिए चलिए 12 12 पास सकते हो480 हो। क्या बोला कि 10 और 15 और 20 में से 5 45 में से कितने निकाल ले आपके 3 निकाल ले,
और कोई? अच्छा, देखिए अब जो मेरी एक्यूरेसी है वो मेरी एकदम परफेक्ट है, और परसेंटाइल आप देख सकते हो कि जो कितना आ रहा है, 90% आपका आ रहा है। तो मैंने एक चीज गलती नहीं करी, वो मेरी गलती क्या थी, मैंने जो अपना स्कोर कार्ड है, देखो मैंने क्या करा, थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स कर दी कैलकुलेशन में, उससे क्या मैंने 1 से 2 नंबर कम हो गए, वरना आराम से मैं 60 आराम से कर सकता था। तो मैंने क्या करा है, इसमें एक्यूरेसी खराब नहीं करी, स्पीड भले ही मेरी खराब हो चुकी हो बट मैंने क्या किया, एक्यूरेसी खराब नहीं करनी, यही चीज आपको करनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम हो गए बट एक्यूरेसी कंफर्म हो गई एकदम परफेक्ट तरीके से। जो कट ऑफ गई है वो 54 से लेके 56 के बीच में गई है, मेरे जो स्कोर आ रहे 57 आ रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस टेस्ट को देना और अपनी एक्यूरेसी मत खराब करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।